लोग वहाँ पिक्चर्स ले रहे थे और मैं सिर्फ अपना मोबाइल ढूंढ रहा था। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आर्यन बलोच। उम्मीद है सब खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार कैसा चल रहा है, आप मुझे थोड़ा इस कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं जो है व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ साथ में और मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ का थोड़ा मुझे मसला ये आ रहा है कि मैं बीच बीच में जो है ना गैप दे रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि व्लॉग्स जो मैं अपलोड करता हूँ उसमें लगता है एडिट में टाइम, तो इसकी वजह से ये कि दूसरे जो पेंडिंग में काम होते हैं ना, फिर वो नेक्स्ट डे मुझे जो है ना करने होते हैं, इस वजह से एक दिन जो है ना गैप देना पड़ रहा था। और अगर मैं ऐसे बैठ के जो है वीडियोस बनाऊंगा तो वो फिर डेली बेसिस पे आएंगी इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट लेके ज़रूर आऊँगा। आज का जो टॉपिक था हमारा वो है हाउ आई लॉस्ट माई आईफोन 12 प्रो मैक्स। आई थिंक कोई 2 या 3 जनवरी की बात है। हमारे साथ में ही जैसे हम लोग ग्रुप 8-10 लड़कों का हमारा ग्रुप है तो हम लोग साथ ही बैठते हैं, तो उसी में हमारा एक दोस्त है तो उसकी जो है शादी थी। वहाँ ऐसा क्या हुआ कि मैंने अपना मोबाइल घुमा दिया। मैंने अपना मोबाइल खुद से नहीं घुमाया था, मेरा मोबाइल जो है वो चोरी हुआ था। मेरा आईफोन 12 प्रो मैक्स जो है वो उसी की बारात में जो है ना चोरी हो चुका था। कैसे हुआ, बिहाइंड द सीन्स क्या है, क्या क्या मुझे सीन जो है वो फेस करने पड़े, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मोबाइल जो है चोरी हो जाता है तो NC कटवाते हैं हम लोग, या फिर जो है CPLC ऑफिसेज हैं तो वहाँ पे जाके जो है हम कंप्लेन दर्ज करवाते हैं तो जाके हमारा मोबाइल रिकवर होता है। मेरा जो मोबाइल था वो था नॉन PDA। दोस्त की बारात थी और जो है हम लोग बस उसके घर से जो है साथ साथ निकले, सारे दोस्त साथ ही थे तो साथ साथ जो है गए यहाँ पे हैदराबाद में एवरनेश है, वहाँ पे हम लोग गए और वहाँ पे जाके जो है काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे अपने, यानी कि बस फुल जो है ना एंजॉय करने में लगे हुए थे। कोई क्या नाच रहे, कोई मतलब डांस कर रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्त की जब होती है शादी तो इस तरीके से एंजॉयमेंट होती रहती है। तो हॉल के बाहर बस हम पहुँचे, उसके बाद जो है दूल्हे साहब जो है उतरे हैं गाड़ी से और हम लोग जो है ना साथ साथ मिलके चल रहे थे। अच्छा वहाँ पे जो है ना पहले ही बोल रहे थे कि अपनी जेबें संभाल के रखना, उसकी वजह ये है कि वो उस लाइन में छोटे जो बच्चे हैं वो तक जो है ना जेब काट लेते हैं आपकी। तो वहाँ पे ऑलरेडी 2-3 दोस्त बोल रहे थे कि और भी बंदे बोल रहे थे कि अपनी जो है ना जेबें संभाल लेना, मोबाइल जो है वो अपने हाथ में रख लेना। ये चीज़ काफ़ी बंदों के सुनाई में नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही शोर था। इवन दो के मेरे पास पूरी शादी का व्लॉग भी था, उसमें डेटा चला गया था, वो भी मैं सारी चीज़ें बता दूँ आगे चल के। तो गाड़ी से उतरे दोस्त और हम लोग जो है साथ इकट्ठा होके बस साथ में ही ऊपर चढ़ रहे थे स्लोप जो बनी हुई थी, क्योंकि एवरलश के बाहर जो है जो हॉल है उसके बाहर स्लोप बनी हुई है जहाँ से गाड़ी ऊपर जाती है। तो वहाँ से ऊपर जो है ना हम लोग चढ़ रहे थे, गाड़ी नीचे ही पार्क कर दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर रश हो गया था, तो बस ऊपर ही चढ़ रहे थे। तो दो ताशे वाले जो ना मतलब साथ साथ वो भी चुबक के साथ साथ ही चल रहे थे। तो वहाँ पे जो आप ये समझ लो जो पैसे लुटाते हैं और वे लूटने वाले बच्चे और इधर उधर से जो भागते हुए आते हैं, क्योंकि वो फिर इतला दे देते हैं कि भाई यहाँ पैसे लुटाए जा रहे हैं या यहाँ ऐसी कोई शादी है, तो वो सारे जो ना इधर उधर के करीब करीब के जो भी इलाके वाले थे सारे जमा हो गए, चुपक गए बाकायदा। ऐसे जो ना मतलब बहुत ज़्यादा रश हो गया था, गिच पिच हो गई थी बहुत ज़्यादा। इवन दो के वो एंड तक स्लोप ऊपर चढ़े, फिर मेन गेट आता है हॉल का, उसके बाद जो है एंट्री होती है। तो जो मेन गेट था ना वहाँ पे बस एंट्री के दौरान ही मैंने अपना मोबाइल जो है जेब में रखा, मेरे हाथ में थी, ठीक है, ये प्रिकॉशन अप्लाई मैंने ऑलरेडी कर ली थी, जेब से बाहर निकाल के अपने हाथ में ही रखा था। बस गेट पे पहुँचे इतना रश हो गया था कि बस मैंने कहा चलो अब पहुँच गए, जेब में डाल देता हूँ मोबाइल। छोड़ा कमीज के ऊपर वेस्ट कोट जो है ना मैंने पहनी हुई थी, तो कमीज़ की जो है जेब में मैंने मोबाइल रखा है
दो मोबाइल थे मेरे पास, आईफोन था और एक और मेरे पास एंड्रॉयड था। दो मोबाइल रखने की उसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ अभी, ठीक है। तो बस एंट्री वहाँ पे हुई है, जेब पे मैंने हाथ मारा है, मैंने कहा एक मोबाइल मुझे दिखा, मुझे दो मोबाइल पता नहीं लगे, ठीक है। मैंने कहा अल्लाह कह रहे क्योंकि मेरा एंड्रॉयड वाला छोटा छोटा मोबाइल है, तो मैंने कहा वो चला गया, ये आईफोन जो है ना मेरे पास रखा हो, क्योंकि पर नया नया ही लिया था, 15-20 दिन हुए थे इसको लिए हुए। जेब पे हाथ मारा है और मेरा आईफोन गायब। मैंने कहा बस, फिर इतना जहन में नहीं आया था कि चोरी हो गया क्या हुआ, नीचे भी ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, दोबारा रिटर्न गया हूँ मैं, लेकिन मुझे अपना मोबाइल जो है कहीं भी नहीं मिला। दोस्तों से पूछा, हॉल में ऐलान करवाया, वहाँ पे मैनेजर हैं, सुहेल नाम है आई थिंक, पता नहीं क्या नाम है, तो उन्होंने बकायदा 5-6 मरतबा ऐलान किए, जिन पे शक जा रहा था उनकी तलाशी भी ली, लेकिन शक भी मतलब ऐसे कि बाहर ही, तो मेरा मोबाइल नहीं मिला मुझे। दोस्त का दूसरा मोबाइल लिया, उसमें जो है वो भी आईफोन ही था, तो उसमें अपनी आईडी लगाई, फाइंड माई डिवाइस किया, लेकिन इंटरनेट कनेक्ट नहीं था। और मज़े की बात, जो मोबाइल गया था वो मेरा मोबाइल था नॉन पीडीएफ, मेरा मोबाइल पीडीएफ प्रूफ नहीं था, ठीक है। अब आप मुझे बोल रहे होगे कि यार पीडीएफ प्रूफ ले लेते और ये वो, यार मैं ले लेता, लेकिन असल में मैं जो है ना बहुत जल्दी मोबाइल चेंज कर रहा होता हूँ, तो बाकी मैं एक मैं ये सोचता हूँ कि यार एक बाहर निकालूँ मोबाइल तो वो छोटा ही दिखे, तो मैंने उसके लिए एक अपना छोटा सा एंड्रॉयड मोबाइल ही रखा हुआ है, यूज़ करने के लिए वीडियोस वगैरह के लिए मैं आईफोन यूज़ इसके जो है मैं कैमरा इसका ज़्यादा प्रीफर करता हूँ वीडियोस के लिए, तो इस वजह से जो है अब मैं नॉन पीडीएफ ही ज़्यादातर ले रहा होता हूँ मोबाइल। तो उसके बाद नसीहत भी ये हो गई कि यार नॉन पीडीएफ मोबाइल नहीं लेना, ये सारा सिनेरियो हो चुका। फाइनली आपके भाई का मोबाइल हॉल से गायब हो चुका है, और जो है ना बाकायदा तौर पे दोस्त जो है ना सारे परेशान हो गए थे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि और लेकिन दूसरे मतलब जो सेल्फीज और ये वीडियोज, और मेरा तो इवन दो के पूरा व्लॉग भी चल रहा था, और अक्सर ये होता है कि मैं जो है ना रील पे भी फोकस कर लेता हूँ, 2-4 चीज़ें मोबाइल पे चल रही होती है, तो वो जो है सब कुछ ऑफ हो गया था, लोग वहाँ पिक्चर्स ले रहे थे और मैं सिर्फ अपना मोबाइल ढूंढ रहा था। 3 घंटे तक सिर्फ मैंने अपना मोबाइल ढूंढा, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करा। पूरे एरिया में गाड़ी लेके घूमे कि भाई फाइंड माई डिवाइस से हो या फिर हॉटस्पॉट कनेक्ट हुआ है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मोबाइल में जो है वो वाईफाई ऑन नहीं रहता था, तो मैं अपने दूसरे मोबाइल से हॉटस्पॉट दे के रखता था उसको, मोबाइल नहीं मिला। और बस तो अब क्या होता है कि दिमाग जो है ना फुल चलना बंद हो जाता है, दोस्त की शादी में सुन बैठे हैं और खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया है। अब आए थे हॉल से बाहर, शादी हो चुकी है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमारा जो है मोबाइल नहीं मिला। इन दी एंड हमें ये पता लग गया था कि भाई मोबाइल चोरी हो चुका है, निकाल लिया है, और जो है ना जेब जो है ना हमारी कट चुकी है, ठीक है। ये हो गई प्रिकॉशन। यहाँ पे आपको मैं ये देना चाहूँगा कि जब भी शादी में जाओ अपने हाथ में मोबाइल रखो, ठीक है। शलवार कमीज़ जो कमीज़ जो होती है ना आपकी, उसकी जेबों पे भरोसा नहीं करो, और ख़ास तौर पे इन एरियाज पे जहाँ पे आप जो पैसे जो लूटने आते हैं ना बच्चे भी, सही है, उनसे बहुत ज़्यादा एहतियात करो, ठीक है। मोबाइल चला गया, अब ढूंढना मोबाइल को दोबारा, पता था मुझे कि चोरी हो चुका है और नॉन पीडीएफ मोबाइल है नहीं मिलना, ठीक है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं जो है सीपीएलसी ऑफिस कॉल करता हूँ, और वो डायरेक्ट सीधा सीधा मुझे बोलते हैं कि भाई आपका जो है पीडीएफ प्रूफ था मोबाइल, मेरा नॉन पीडीएफ था, मैंने आपका मोबाइल नहीं मिल सकता, ठीक है। उन्होंने बोला आईएमआई नंबर, मैंने कहा मैं दे देता हूँ, मैंने आईएमआई नंबर दिया, लेकिन एक दूसरा आईएमआई नंबर जो होता है वो सिम का होता है, तो सिम का आई मैं जब नॉन वीडियो तो सिम का मतलब कैसे होगा, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई रिकवर होने के जो है चांसेस वो 99.9% नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई, अब भूल जाना मोबाइल को, नहीं बड़ी मेहनत से मोबाइल ले रहा, बहुत पैसे दबा करते हैं भाई हम, कोई मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, और मैंने उन्हीं पैसों को जमा करके जो है मोबाइल लेकर आया था कि उससे जो है कंटेंट में जो है ना इजाफा में करूँ और अच्छा अच्छा कंटेंट बनाऊँ, ताकि आप लोग देखो और जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो
और वीडियोस को जो है लाइक करो, और इसी बात पे जो है कर भी देना, ठीक है। तो क्या होता है कि